कई बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर बहुत ढेर सारे, और आपको भी लगता होगा अरे यार ठीक है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्रैक कर रखा है अब ठीक है हो जाएगा, क्या ऐसा फैक्टर आया कभी लाइफ में आपको? अब जब तैयारी शुरू कर दी तो आपने प्रीलिम्स और मेंस को कैसे मैनेज किया, प्रीलिम्स को कैसे टैकल किया आपने, क्योंकि वो काफी ज्यादा कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, ऑप्शनल की स्ट्रेटजी क्या रही आपकी और क्या मार्क्स रहे और आपको क्या लगता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ कितनी बन पाया वो यूपीएससी एग्जाम? डेफिनेटली क्योंकि कश्मीर में मोस्ट ऑफ द टाइम दुकानें बंद हैं, काम नहीं हो रहा है, बहुत करीब से मैंने उन सब चीज़ों को देखा है तो कई बार वो सीन मुझे याद आता है तो बहुत डर भी बड़ा लगता है कि कैसे वहाँ पे एक लाइफ कैसे चलती होगी। आने वाले टाइम में ना आपके बहुत ताकतवर लेडी बन के निकलेंगी। हेलो प्रशंसजीत कौर, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। राइट, और आपकी रैंक 11 के लिए यूपीएससी में जो आपने रैंक हासिल की है 11, उसके लिए पूरे ओजांग फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारा फाउंडेशन आपको बहुत बहुत बधाई देता है। और इस बार बड़ा अलग ही रहा है कि ज्यादातर हमें गर्ल्स जो है उनसे बात करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने यूपीएससी में धूम मचा रखी है इस बार, रैंक 1 से लेकर और हम आगे तक जहां तक जा रहे हैं गर्ल्स पावर हमें दिखाई पड़ रही है। और आप अभी कैसा फील कर रही हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड रैंक मिला है तो बहुत डिलाइटेड फील कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी? हाँ जी सर, जी सर। वाह, मतलब ये अमेजिंग है और जाने कितनी गर्ल्स के लिए फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है। और सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि बहुत प्राउड महसूस हो रहा है पूरे देश को, और पूरे देश की तरफ से मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको, कंट्री की तरफ से मैसेज दे रहा हूँ और मैं देश की बेटी को सलाम करता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि मतलब आप रोल मॉडल हैं, आप पुंछ से आती हैं, आप जम्मू कश्मीर से आती हैं, और मैं कई बार सेमिनार लेने भी गया हूँ सोपोर पुलवामा की साइड में। और एजुकेशन को जो मैं ये समझता हूँ कि आप जिस तरह से मोटिवेट करेंगी जम्मू कश्मीर में एक नई लहर हमें देखने को मिलेगी, डेफिनेटली ये देखने को मिलेगी। और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हजारों लाखों बच्चे बच्चियां, खासतौर पर बच्चियां, वो जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, सिविल सर्विसेज को अपना एक मोटो बनाए और डेफिनेटली वो सक्सेस होके निकले। जी सर जरूर। आपकी जर्नी आसान नहीं रही होगी क्योंकि एक दौर था इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम या तमाम तरह की प्रॉब्लम, और आपने किस तरह से अपनी शुरुआत की इस जर्नी की, यूपीएससी में आने की जर्नी की? सर डेफिनेटली एक रिमोट एरिया से बिलोंग करने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। सिविल सर्विसेज की जहाँ तक अगर बात की जाती है तो इनफैक्ट जो बिल्कुल बेसिक बुक्स होती थी बीट स्पेक्ट्रम और बीट एम लक्ष्मीकांत वो भी हमें अवेलेबल अपने होम टाउन में नहीं होती थी एंड वी हैड टू अरेंज इट फ्रॉम जम्मू। इनफैक्ट मंथली मैगजीन्स के लिए भी वी हैव टू अरेंज इट फ्रॉम जम्मू। सो पुल से जम्मू जाना बहुत मुश्किल काम है। यस सर, इट टेक्स अबाउट 8 to 9 hours जर्नी। और सबसे बड़ी बात है जो अभी जो लोग ऑडियंस नहीं जानते हैं, विंटर में वहां ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। यस सर, ड्यू टू स्नो कवर। तो सबसे पहला मैसेज तो मैं यहाँ इंटरप्ट करके बोलता हूँ कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं और ये नहीं होता तो वो कर लेते, हमारे सामने प्रशंसजीत कौर हैं, रैंक 11 और जीती जाती रोल मॉडल हैं, हमारी हीरो हैं, और जिन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हैं तो मुश्किलों की कोई भी औकात नहीं होती, मुश्किलों की ज्यादा दम नहीं होता है। तो मैं तो इस देश की बेटी को बहुत नमन करता हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ, बहुत मजा आ रहा आपसे बात करके। और मैसेज मुझे इतना पता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट करने जा रही हैं। जी सर जरूर। तो मुश्किलें जब आई तो फिर आपने ये किताबें नहीं है, मटेरियल नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में बड़ी प्रॉब्लम रही है, तो मतलब कैसे आपने सब चीजों को टैकल किया, खुद को मोटिवेट कैसे किया? सर जब एक एम को फिक्स कर दिया जाता है तो उसके बाद अल्टरनेटिव नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो आप डिजायर कर रहे हो और जो आपकी जरूरत है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्रैक करना मेरी डिजायर से ज्यादा मेरी जरूरत थी, तो उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं था। तो जो भी हार्डशिप्स फेस हुई उसको कैसे भी करके देखा और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो लाइफ का वो क्या, आप भी आपने एक बड़ी गहरी बात कही कि वो मेरी डिजायर नहीं, मेरी जरूरत बन गई थी, मेरी नीड बन गई थी, और जब वो नीड बन जाती है इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो क्या हालात थे अगर आप बताना चाहें तो बताएंगे ऑडियंस को, खासतौर पर हमारी बच्चियों को? सर जहां से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे पर्टिकुलरली हेल्थ और एजुकेशन का बहुत बहुत आई थिंक आई कैन से कि पैथेटिक सिचुएशन थी। मैं जानता हूँ।
इनफैक्ट फॉर अ सीटी स्कैन पीपल हैड टू मूव टू जम्मू, सच वॉज द कंडीशन. और जहां तक एजुकेशन की बात है तो अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस बच्चे 11th में कुछ और स्कोप कर ही नहीं सकते थे पुंछ में. तो आई थिंक कि ऐसे खाली पुंछ की बात नहीं होगी, बहुत सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री में होंगी और बिलोंगिंग फ्रॉम सच एरिया आई थिंक आई कैन बेटर कैटर टू द नीड्स ऑफ दोज पीपल. वंडरफुल। कब से आपने शुरुआत की इस जर्नी की, को सब सोचा कि नहीं, इतने हालात के बाद मुझे लगता है कि यूपीएससी के बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने कैसे सोचा इसको कि मुझे यूपीएससी करना है, क्या कब से आपने इसकी शुरुआत की? सर यूपीएससी की जो डिजायर थी कि हमें इस एग्जाम में अपियर होना है वो एक्चुअली स्कूल डेज में ही हो गई थी. जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोबेबली 9th स्टैंडर्ड, और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का क्या रोल था, दैट इंस्पायर्ड मी ग्रेटली. और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने यही साइट पे ही जाना है. और जहां तक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की बात है तो इट टुक अबाउट 4 to 5 ईयर्स. वंडरफुल, क्योंकि आप बड़े मुश्किल हालात में रही, आपके पास बुक्स नहीं, मटेरियल नहीं, कई बार बच्चे यहाँ पर होता है कि सब कुछ होता है तो वो और बुक्स ढूंढते हैं, आपके पास तो एक बेसिक बुक भी नहीं पहुंच पा रही थी, न्यूज़पेपर की तो बात ही छोड़ दें कि रेगुलर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आपके पास आ रहा है, तो आपने बड़ी मुश्किल हालात में लिया। और ये सभी बच्चियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि पुंछ बहुत ही ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया है और पॉलिटिकली भी बहुत डिफिकल्ट एरिया, अगर मैं कहूँ तो बहुत लंबे समय तक रहा है। और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब आप डिफिकल्टी के हर लेवल को आपने क्रॉस किया, और मुझे मतलब यकीन मानिए मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मुझे खुद बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, मैं उस जगह को मैंने देखा है, तो इसलिए मैं और वहां इमेजिन कर सकता हूँ कि आपने कितने मुश्किल हालात में पढ़ा। तो आपने बिल्कुल सही सिचुएशन को एनालाइज किया कि नहीं मुझे इतना टाइम लगेगा, और आपने वो टाइम लगाना शुरू किया। तो एक कहावत है, अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म, की जो पहले शुरू करता है उसको जल्दी मिल जाता है, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्रैक कर दी, वो भी मतलब रैंक 11 फ्लाइंग कलर्स के साथ, पूरे देश को नाज है आप पे। पढ़ाई की क्या स्ट्रेटजी रखी आपने? सर जबकि मेरा अभी मास्टर्स कंटिन्यू था तो मैं फुल फ्लेज्ड सिविल सर्विसेज को नहीं डेडिकेट कर सकती थी, और मेरा मास्टर्स भी एक हार्ड कोर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में था, तो मुझे इक्वली सिविल सर्विसेज को भी उतना ही प्रेफरेंस देना था जितना अपनी मास्टर्स को देना था. तो समहाउ 6 to 7 आवर्स पर डे मैं सिविल सर्विसेज के लिए निकालती थी और रेस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी में और मेरे मास्टर्स के सब्जेक्ट में होता था. वंडरफुल, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेजेस में वो भी ध्यान रखे कि कॉलेज के साथ भी तैयारी हो सकती है, या जो वर्किंग वुमेन है वो भी इसको ध्यान के रखे कि घर परिवार का ध्यान रखते हुए अगर वो 4 से 5 घंटे डेडिकेशन के साथ निकालते हैं और थोड़ा सा ज्यादा समय लेते हैं तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज उनसे क्रैक हो सकता है। मेरे ख्याल से आप यही मैसेज देना चाहेंगी। हाँ जी सर, यही मैसेज. ठीक है, तो फिर हमने जब तैयारी शुरू की, बुक्स आपके पास नहीं है, इंटरनेट नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, सारी मुश्किल है, और मैं तो वहां रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है वहां पे, तो हाँ जी रेगुलर जाड़ों में तो और दिक्कत हुआ करती, क्योंकि वहां जो चिल्ले कला एक सीजन होता है कि वहां मैंने देखा कि कश्मीर में एक पत्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ा, एक भी चिनार पे एक पत्ता जो दिखाई पड़ा, इतनी ठंड होती है, और यहाँ जाड़ों में हमारे यहाँ ठंड होती है तो लोग 10 बजे सोने चले जाते हैं, कश्मीर में तो ब्लड फ्रीज हो जाता है, ऐसा एक सेगमेंट आता है। तो कैसे आपने ये सब चीजों को टैकल कैसे किया? सर समहाउ आई वॉज एबल टू डू द सेम. अब आई थिंक सर एक वही बात होती है सर जो मैंने पहले कही थी कि आपकी जो नीड होती है वही आपको ड्राइव करती है एंड दैट ओनली टेक्स यू अहेड. वंडरफुल, तो अब जब तैयारी शुरू कर दी तो आपने प्रीलिम्स और मेंस को कैसे मैनेज किया? सर जबकि कोई मेंटर भी नहीं था तो पहले तैयारी में बहुत सी गलतियां भी की, बहुत सी ऐसी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी जो शायद पढ़नी भी नहीं चाहिए थी, जो आज पता चल रहा है. बट सर फिर ग्रेजुअली पता चला कि किस तरीके से करना चाहिए, जब ऑनलाइन बहुत से सोर्सेस को देखा और फिर सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट किया. मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों इंटीग्रेटेड पढ़ा सर. वंडरफुल, और कितना आप आंसर राइटिंग में कितना समय दे पाती थी? सर आंसर राइटिंग पे मेरा फोकस रहा है. अपार्ट फ्रॉम एनालाइजिंग दी आंसर शीट्स ऑफ प्रीवियस ईयर टॉपर्स, मैंने खुद भी बहुत ज्यादा लिखती थी. मैं डेली 5 to 6 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने होते थे. वंडरफुल वंडरफुल, ये बहुत मैजिकल मंत्र है, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम पढ़ लें हो जाएगा, राइटिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, यस सर. तो बहुत ही बढ़िया रहा इसमें तो। और प्रीलिम्स जब आया, साल आपको प्रीलिम्स देना था, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, तो ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन आपने कैसे की, क्योंकि आज की डेट में
अगर मैं देखा जाए तो जो 2022 का पैटर्न था बहुत डिफिकल्ट पैटर्न था वो। तो प्रीलिम्स को कैसे टैकल किया आपने, क्योंकि वो काफी ज्यादा कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सर, प्रीलिम्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी के प्रिपेयर किए थे, ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 7 ईयर्स आई कैन से फ्रॉम 2015, और मैंने उनको एनालाइज किया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं और कैसे स्मार्टली हम उसको मार्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट सर, मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे पास पॉसिटी ऑफ द टाइम था, तो मैंने यूजुअली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे ही रिलाई किया है। ओके और कौन से बुक्स आप जो है वो बार बार पढ़ती थी, और क्या नोट्स बनाती थी आप पढ़ते समय? सिर्फ प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव बेस होता है और यहाँ पे बहुत सी फैक्चुअल नॉलेज को रिमेम्बर करना पड़ता है, तो जो पॉइंट्स मुझे लगते थे कि मुझे याद नहीं रहेंगे तो मैं उनको जॉट डाउन कर देती थी और फिर बाद में उन नोट्स को जो है वो पढ़ लेती थी। गुड। एसए में कैसे रही आपकी परफॉर्मेंस? सर, आई स्कोर्ड अबाउट 132 मार्क्स इन एसे, और परफेक्ट। उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स जो टॉपर्स हैं उनके क्वेश्चन, उनकी आंसर शीट्स को एनालाइज किया था, पर्टिकुलरली जो फिलोसफिकल एसेज होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, और उनको एनालाइज करके मैंने पढ़ा था। इनफैक्ट जिस दिन हमारा एसे का पेपर था उससे पहले दिन भी मैंने करीब 3 to 4 ईयर्स के यूपीएससी के पेपर्स के हर एक एसे के टॉपिक को स्टडी किया था, और इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। या वंडरफुल। अगर हम बात करें तो ऑप्शनल बहुत क्रूशियल होता है यूपीएससी के लिए, और कई बार हम इसमें बड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। तो ऑप्शनल की स्ट्रेटजी क्या रही आपकी, और क्या मार्क्स रहे, और आपको क्या लगता है कि वो आपके स्ट्रेंथ कितनी बन पाया वो यूपीएससी एग्जाम में? सर, मेरा ऑप्शनल जूलॉजी था क्योंकि मेरा वो वन ऑफ द सब्जेक्ट इन माय ग्रेजुएशन था। मेरे ऑप्शनल में करीब 295 से 298 तक मार्क्स थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अभी, और आई थिंक उसके लिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपनी ग्रेजुएशन के मटेरियल के ऊपर ज़्यादा रिलाई किया था, और उसके साथ कुछ जो ऑनलाइन हमें प्लेटफॉर्म्स थे। ये तो तय है कि अगर आप 300 मार्क्स के आसपास हैं तो यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हम जो सिस्टम देखते हैं, इस पूरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर बहुत ढेर सारे, और आपको भी लगता होगा अरे यार ठीक है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्रैक कर रखा है, अब ठीक है हो जाएगा। क्या ऐसा फैक्टर आया कभी लाइफ में आपके? सर, बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि यूपीएससी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और हर स्टेज पे लगता था कि शायद अब नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट फाइनल सिलेक्शन से पहले भी बहुत डर था कि क्या पता लिस्ट में नाम होगा भी या नहीं होगा, तो वो तो सर डर रहता ही है, बट सर अल्टीमेट तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कुछ ऐसा कि लगे कि हाँ मतलब एक चीज है बताने लायक उसमें। सर मेरे पेरेंट्स दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट में ही हैं जी और इसके साथ मेरी एक सिस्टर है, बट अभी तक मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में, ना ही यूनियन पब्लिक सर्विस आप कमीशन, पहली हैं, हाँ जी सर, और ना ही स्टेट पीसीएस में कोई नहीं बहुत है। बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। तो पेरेंट्स का कैसा एटीट्यूड रहा आपकी इस प्रिपरेशन में? सर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहे हैं, बहुत इमोशनली भी, और जो भी रिसोर्स की तरफ भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एज मिडिल क्लास पीपल वी यूजली फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, बट उन्होंने कभी भी मतलब शायद हजारों मुश्किलें खुद भी देखी होंगी बट हमें कभी वो महसूस नहीं होने दिया। डेफिनेटली, क्योंकि कश्मीर में मोस्ट ऑफ द टाइम दुकानें बंद हैं, काम नहीं हो रहा है, बहुत करीब से मैंने उन सब चीजों को देखा है, तो कई बार वो सीन मुझे याद आता है तो बहुत डर भी बड़ा लगता है कि कैसे वहां पे एक लाइफ कैसे चलती होगी। और जी इतने मुश्किल हालात में आपने जो ये जीत हासिल किया, जो ये मुकाम हासिल किया है, मैं तो कहूंगा सालों साल आपकी ये जीत याद रखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। अब आ जी जाते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अब आप कुंज में बैठी हुई हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी है, तो आपने कैसे वो चीजों को मैनेज किया, और कैसा रहा आपका बोर्ड, कैसा था, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा फोकस अपनी स्टेट के ऊपर रखा था, और इसके साथ मेरे जिन भी स्कूल्स में या जिन भी जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे मैं पढ़ी थी इसके ऊपर भी मैंने फोकस किया था, और अपने सब्जेक्ट के ऊपर अलोंग विद करंट अफेयर्स। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, मेरा इंटरव्यू 18th of April को था इवनिंग में, एंड आई वॉज दी सेकेंड पर्सन टू गो इन। मुझे डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन पुट आउट किए गए थे, पर्टिकुलरली हमारी स्टेट सिक्योरिटी का बहुत इशू रहता है, तो
तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारी स्टेट का जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरी हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देन आई वाज आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट डिस्पाइट हैविंग मास्टर्स इन केमिस्ट्री व्हाई जूलॉजी एज योर ऑप्शन। सो डिफरेंट एरियाज वर कवर्ड। हाँ, ये तो वाकई में सेगमेंट है। अच्छा, पढ़ाई आप कितने घंटे डेली कर लिया करती हैं अभी, जब जब आपको लगा कि नहीं आगे इसमें जाना है तो? सर सिंस एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन तो नहीं थी, तो सिविल सर्विसेज के लिए जैसे मैंने पहले बोला 6 to 7 hours डेली फॉर सिविल सर्विसेज। डेली, और मतलब उसको रेगुलर आपने मेंटेन किया। हाँ जी सर, क्योंकि बाकी टाइम में और चीजें भी थी। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपको बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक रहा है हमेशा, यस सर। तो टीचिंग को आपने क्या समझा कि मतलब ये जो है टीचिंग मेरी प्रिपरेशन में कितनी हेल्पफुल है, या ये आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देती थी? सर ये मुझे सेटिस्फेक्शन भी देती थी और साथ ही साथ आई वुड से कि इसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट भी था, क्योंकि बहुत सी चीजें जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें समझ आती है, रादर देन जब टीचिंग हम इज अ खुद। डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यस, हाँ जी सर, और मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट्स उसमें जो है उसके थ्रू क्लियर हुए। पर्टिकुलरली मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, सो आई थिंक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जितना पढ़ोगे आपकी कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे, एंड इस तरीके से मैं पढ़ाती थी। आज क्या इससे आपको कुछ आर्थिक सहायता या इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलती थी? सर आई यूज टू टीच फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह, वंडरफुल। मतलब एक शौक के लिए, एक जोश के लिए, एक जुनून के लिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कई लोग कहते हैं कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई डोंट हैव इनफ टाइम कि हम किसी को पढ़ाएं या कुछ ऐसा करें। कुछ लोग पैसे की भी कमी नहीं होती है, मैं कई बार उनसे बोलता हूँ कि किसी को पढ़ा लो, किसी की लाइफ में एक चेंज लेकर आओ। तो कभी आपको नहीं लगता था कि यार हम 1-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, हम इससे अच्छा अपनी पढ़ाई कर लेते, रिवीजन कर लेते? सर कई बार ऐसा लगता भी था, बट जबकि एक बार किसी के साथ कमिटमेंट कर दिया था कि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, तो फिर उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना होता था। क्या बात है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप दूसरों से करो चाहे खुद से करो। और मुझे लगता है कि आप बहुत ही एक आयरन लेडी की तरह हैं, क्योंकि आपने खुद से भी कमिटमेंट किया, वो आपने पूरा किया, आप अपने स्टूडेंट से आपने कमिटमेंट किया, उसको भी आपने पूरा किया। हैट्स ऑफ, आपको जो संस्कार मिले हैं, जो आपको एक कहते हैं कि मजबूती मिली अपने पेरेंट्स से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और बस मैं तो यही कहूंगा कि प्रसन्नजीत की आने वाला टाइम में ना आपके बहुत ताकतवर लेडी बन के निकलेंगी। और क्या है आपकी चॉइस की, आप कहाँ सर्व करना चाहती हैं, कौन से जोन में? सर मैंने अपने होम कैडर को AGMUT को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। वंडरफुल। और वहां पर आप क्या एक चीज बदलना चाहती हैं, क्योंकि कश्मीर को मैंने बहुत करीब से देखा है और मैं बस इतना जानता हूं कि जॉ ड्रॉप, मतलब मेरा मुंह खुला रह गया, मैंने इतनी खूबसूरती, इतनी अपॉर्चुनिटी और ज्योग्राफिकली जो लोकेशन है उसकी, मैंने जो देखा है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि वहां अधिकारी बन के आप क्या चीज बदलना चाहेंगे? सर कश्मीर की या फिर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे डिस्पाइट हर चीज के होते हुए हम लोग बहुत डिप्राइव्ड रहते हैं इन वन बहुत वे और द अदर। उस डिप्रिवेशन को मैं दूर करूंगी इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे आई कैन डू इट। और कोई ऐसा कोई एक खास टारगेट जो भविष्य में आप, अगर आपको मौका मिलेगा, आप उसको बदलना चाहेंगे? सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर विल बी माई फोकस। बहुत जरूरी है वहां के लिए, तो खैर बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर आप जैसी जाने कितनी प्रसन्नजीत कौर हैं जो अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रही हैं, वो भारत को डेफिनेटली सर्व करना चाहती हैं, भारत की बेटी हैं। और मैं बस यही कहूंगा कि आप इस पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप एक रोल मॉडल हैं, और कोई डाउट नहीं। और जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, देख रही है, बस उनसे यही कहूंगा कि एक बार आप पुंछ के ज्योग्राफिकल लोकेशन, पॉलिटिकल चीजों के बारे में जानकर कोशिश करें, रूह कांप जाती है कई बार कि कितनी मुश्किलों में वहां पढ़ाई होती है, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 11 लेकर आई हैं। आपकी जीत बहुत खास जीत है, बहुत खास जीत है। जी सर। अगर देखा जाए तो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं पलट के, तो बहुत से लोग हमारे रोल मॉडल होते हैं। आप किनको किनको धन्यवाद करना चाहेंगी अपने रोल मॉडल के रूप में, आप उनको याद करती हैं, मुझे बनाने में इनका बहुत योगदान रहा है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो परिवार हो? सर सबसे पहला थैंक्स तो डेफिनेटली ऑलमाइटी को ही होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली हो गया, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सबका किसी ना किसी एस्पेक्ट पे कंट्रीब्यूशन होता है जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो आई थिंक वो हर एक शख्स। वंडरफुल। और
जो हमारे बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनकी आंखों में बहुत सपने हैं। बहुत से बच्चे जैसे हमारे रैंक टू बस्तर से हैं, या जो है और भी बहुत से ऐसे आदिवासी इलाकों में बच्चे बच्चियां जो कुछ करना चाहते हैं, और आप, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई उनको मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि आप बड़े मुश्किल हालात में आपने पढ़ाई की है। तो कई लोग अपने संसाधनों का रोना रहते हैं, काश मेरे पास ये होता तो हम ये कर लेते, और आपने करके दिखा दिया। मैं नहीं समझता कि एक ताजा ताजा न्यूज़पेपर आपके दरवाजे पर कभी गिरा होगा। कभी नहीं, कभी वहां न्यूज़पेपर फेंके नहीं जाते, क्योंकि बर्फ जमी होती है वो गीला होकर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। वी तो रिसीव द उनके हिंदू आफ्टर क्या थ्री मैसेज? डेज हाँ, मैंने देखा है, बड़ी वहां बहुत गहराई से देखा है। अगर आप पानी की थैली बंद लेकर ढेर सारी, अगर आप बिस्तर में ना सोए तो आप सुबह तक ब्लड जम जाएगा, ये हालत होती है। तो हाँ जी बहुत मुश्किल हालात होते हैं। तो क्या आप उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक डायमेंशन देना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं? सर, मैं ये कहूंगी कि जो गलतियां मैंने की हैं वो ना करें। उसके लिए सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वंडरफुल, और उसके साथ फर्स्ट डे से ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वंडरफुल, अपने सोर्सेस को लिमिट रखना ये इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ हार्ड वर्क, कॉन्सिस्टेंसी और पेशेंस, ये तो डिमांडिंग होते हैं सर। बहुत ज्यादा घंटों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है दिल से पढ़ना है। और आपकी बात से जो मुझे लगा कि जुनून से भी आगे बढ़कर जब यूपीएससी आपकी नीड बन जाए कि मुझे यही करना है, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जरूरत है, तो वो चीज अपने आप हासिल हो जाती है, और आपने रैंक वन में उसे हासिल करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में देश की ढेर सारी बेटियां, जो बच्चे हैं, वो आपके इस मंत्र को अपनाएंगे, और मतलब आने वाले समय में हमें देश के लिए बेहतरीन ऑफिसर मिलेंगे। और मुझे अब तो विश्वास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर कैडर को बहुत बढ़िया ऑफिसर मिलने जा रहा है प्रसन्नजीत के रूप में, और लवासना में आप एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी के रूप में निकलेंगे। वहां की ट्रेनिंग बड़ी बहुत करीब से हमने वहां की ट्रेनिंग को देखा है, लगभग हम हर साल वहां विजिट करते हैं, तो एक पर्सनालिटी निकल कर आपके सामने आएगी, नो डाउट, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और देश को एक जबरदस्त ऑफिसर मिलने जा रहा है, और बस अब यही है कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में आप एक चमकते हुए सितारे के रूप में निकले और देश के लिए बहुत कुछ कर सकें। थैंक थैंक यू सर। यू सो मच ओजान परिवार की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। और लवासना में आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो और उन दिनों को आप जिए, और बस यही है कि आप तैयार हो जाए आने वाले टाइम में। पूरे थ्रू आउट लाइफ आपको बहुत ढेर सारी उम्मीदों का बोझ आगे लेके बढ़ना है, कई जिंदगियों में बदलाव लेके आना है, और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी उतना ही अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य है जितना भारत के अन्य हिस्सों में है। और मुझे लगता है कि आप जैसी एक हीरो और जुड़ गई हैं इस फौज में, जो ये काम करके दिखाएंगी। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं ये भी कहना चाहूंगा देश की सभी बच्चियों से, प्रसन्नजीत कौर के माध्यम से, कि इरादों में अगर जान होती है तो हमारी जिंदगी बहुत आसान होती है। तो इरादों में जान करनी है, हमें आगे बढ़ना है, और ठान लिया तो करना है, क्योंकि कभी भी आपको मौका मिले तो एक बार पुंछ के बारे में पढ़ के देखिएगा। मैं जब वहां गया तो मुझे पता चला कि हालात कितने मुश्किल होते हैं, और लेकिन जो चलने वाले होते हैं वो मुश्किलों में रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, और आप रोल मॉडल हैं, आने वाले टाइम में ढेर सारी बेटियां आपको फॉलो करेंगी।